नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। समाज में नैतिकता के पतन को रोकने के उद्देश्य से जमात ए इस्लामी हिंद की महिला विंग ने एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है। इस अभियान का मकसद लोगों को नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना और समाज में बढ़ती अनैतिकता को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना है। जमात ए इस्लामी हिंद की प्रदेश संयोजक जैनब उल रजाली ने बताया, इस अभियान के तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में सेमिनार, वर्कशॉप और सामूहिक चर्चाएं शामिल होंगी, जिनके माध्यम से नैतिक मूल्यों के महत्व पर रोशनी डाली जाएगी। वहीं शमशाद बेगम ने कहा कि हमारा मकसद है कि समाज में फिर से इंसाफ, इंसानियत और अखलाकी कदरों की बहाली हो। इस अभियान के अंतर्गत महिला विंग के सदस्य विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और मोहल्लों में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और उन्हें नैतिकता के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाया जा सके। जमात ए इस्लामी हिंद की महिला विंग का मानना है कि अगर समाज को नैतिकता के रास्ते पर वापस लाना है तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और मिलकर इस अभियान को सफल बनाना होगा। ये अभियान जो है हमारा वो एक महीने का है और ये राष्ट्रव्यापी अभियान है, नेशनल लेवल पे हम लोग मना रहे हैं, जिसका नाम है नैतिकता स्वतंत्रता का आधार, मॉरलिटी इज फ्रीडम। और ये 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक मनाई जाएगी और इसका मकसद है कि हम घर घर तक और लोगों तक पहुँचे और समाज में जो फैल रही है बुराई, उसके लिए लोगों को जागरूक करें और उनका केंद्र को इस तरफ आकर्षित करें कि जिस तरीके से हम आज़ादी की बात करते हैं और आज़ादी की वजह से हमने अपने मॉरल वैल्यूज़ को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से समाज में बहुत सारी बुराइयाँ मंजर आम पे हैं, बहुत सारी बुराइयाँ आ गई हैं, जैसे नशा है और आप देख रहे हैं जो लिबरल रिलेशनशिप है और मगरबी सभ्यता ने हमारी नस्लों को जिस तरह बर्बाद किया है, हम उस तरह कोशिश करें लोगों का केंद्र बिंदु को आकर्षित करें और लोगों को जागरूक करें।